बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी
नमोयम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे बंसी विभूषित करार नवनीत दाभार पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दलमींद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीर्यं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्ररतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। भगवान राधा श्याम सुंदर के कृपा से आप सभी लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब विशेष कृपा होती है तभी व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है। यह जो कथा है बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सबके भाग्य में भगवान की कथा नहीं मिल पाती है। भागवत महात्म्य में कहा गया है कि जब अनंत जन्मों के भाग्य का उदय होता है तब व्यक्ति साधुओं के बीच में और भगवान की कथा को सुन पाते हैं, संग कर पाते हैं। अनंत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होता है तब हम लोग श्री भगवान की कथा को सुन पाते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जीवन ही कथा है। कथा के बिना वो जी नहीं पाते हैं। तप्त व्यक्तियों को जीवन प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत की कथा है। गोपियां गोपी गीत में गा रही हैं, आप लोग सुने हैं, रोज गाते हैं। गोपी जन गाते हुए गोपी गीत का जो नौवां नंबर का श्लोक है, 9 नंबर का श्लोक, उसमें कहती हैं कि तव कथामृतम् ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गल
कथा है तप्त व्यक्ति को जीवन प्रदान करने वाला है। जो दुखी हैं उनको आनंद देने वाली अगर कोई चीज है तो भगवान की कथा, प्रेम प्रदान करने वाला कोई चीज है तो वह है भगवान की कथा। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को बीच बीच में भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और वास्तव में इसका मुख्य श्रेय दिया जाए तो प्रभुपाद का है। प्रभुपाद की कृपा से आज हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। जितनी शुद्ध तरह से भक्ति इसमें की जाती है, ऐसे मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग प्रायः सब जगह जाते हैं घूमने के लिए, कथा करने के लिए सब जगह जाते हैं। बहुत जगह मैं जा चुका हूँ और बहुत मंदिरों में भी गया हूँ, बहुत जगहों पर गया हूँ, लेकिन जितने प्रेम से भगवान को भगवान के रूप में अपने मंदिरों में पूजा की जाती है, वैसे अन्य जगह बहुत कम जगह है ऐसे होती है। ऐसा नहीं कि अन्य जगह में नहीं होती है, लेकिन जितने प्रेम से, जितने आनंद से, जितने बार इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार, इतने सुंदर सुंदर पकवान खिलाया जाता है भगवान को, ये कौन सिखाया? प्रभुपाद ने। और उनके चरण चिन्हों पर आज हमारे सब भक्त लोग चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली जीव हैं। और विशेष करके मैं शुरू में भी बोल देता हूँ और अंत में भी बोलूँगा कि जो अभी महीना चल रहा है, इस महीना का नाम है, मालूम है आप लोग, बोलिए सब माता जी लोग, दामोदर मास। दामोदर भगवान के देखिए शरीर में रस्सी बांधा गया है। भगवान अपने भक्त के अधीन होकर के बंधन स्वीकार कर लिए। देखिए विचार के लिए, भगवान भक्त के हाथों से बंध चुके हैं। तो इस समय अगर कोई भगवान के लिए आरती करता है, दीप दान करता है, दीप जो दिखाया जाता है अन्य दिनों के दीप में और इस समय के दीप में बहुत अंतर है। ऐसे तो कभी भी भगवान की आरती करनी चाहिए, लेकिन इस समय अगर कोई आरती करता है, आरती के लिए कुछ दान देता है, कुछ सहयोग करता है, तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है और भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप लोग वृंदावन में जाकर के देखे हैं और देखते होंगे कि लोग कितनी लाखों लाख लोग आ रहे हैं और एक से एक लोग आगे बढ़ करके सहयोग कर रहे हैं कि मैं दूंगा, मेरे तरफ से पूजा होना चाहिए, मेरे तरफ से दीपदान होना चाहिए, मैं ठाकुर जी के लिए दूंगा। तो ये सब करना चाहिए, इसमें उत्साह होना चाहिए। अब भक्त लोग कुछ बोले तब कोई दुखी मन से कुछ निकाल करके सहयोग करें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा तो यह है कि बिना कहे किसको देना है, जो हमको दिया है भगवान के लिए हम देने के लिए जा रहे हैं। और सच पूछिए तो भगवान उसी व्यक्ति के धन को स्वीकार करते हैं जो पूरी आत्मा होता है। पैसा वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबके धन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर जिसके पैसा को स्वीकार कर लिए तो समझो कि वह पूरी आत्मा जीव है, वो भाग्यशाली जीव है कि उसके धन को प्रभु स्वीकार किए। जैसे बहुत लोग बुलाते हैं खाने के लिए अपने घरों में, लेकिन भक्त लोग नहीं जा पाते हैं, बुलाते नहीं नहीं हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो पूरी आत्मा जीव होता है उसके घर चले जाते हैं। उसी तरह भगवान के सेवा में अगर किसी का रुपया पैसा लग रहा है तो समझो कि वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए इस समय ये सब अपने आप होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है, कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया से बार बार कहते हैं कि मैया ये गोपियाँ जो है ना झूठ मूठ उलाहना देती हैं, मैं थोड़े चोरी करता हूँ, मैं इन लोगों के घर में क्यों जाऊँगा, मैया आप ही बताओ मुझे किस वस्तु की कमी है कि मैं इन गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाऊँगा, ये लोग केवल झूठ बोलती हैं, मैया बताओ अपने घर में किस वस्तु की कमी है।
तो कृष्ण के बात को सुन करके मैया यशोदा गोपियों को बोलते हुए डांटते हुए कहती हैं कि तुम लोग झूठ मूठ मेरे बच्चे को दोष क्यों दे रही हो, मेरा बेटा तुम लोगों के घर में क्यों जाएगा चोरी करने के लिए। तो गोपियां कहती हैं कि नहीं नहीं यशोदा जी, आपका लड़का जो है ना हम लोगों के घरों में आता है चोरी करने के लिए। तो यशोदा मैया कही कि ठीक है, जब चोरी करता है तो एक दो बार तो हमको पकड़ करके दिखा दो कि मेरा लड़का चोरी कर रहा है। तो गोपी कही कि बार बार इस यशोदा को विश्वास नहीं, केवल अपने बच्चे के बात पर विश्वास करती है। अब वे लोग क्या की कि प्लान बनाई कि कृष्ण को किसी भी तरह से हम लोग पकड़ करके यशोदा के सामने ले जाएं। तो एक दिन की बात है, श्री कृष्ण चोरी कर रहे थे तब तक गोपी जाकर के पीछे से पकड़ ली और पकड़ करके कृष्ण को कही कि बेटा तू बहुत चलाक बनता है, बहुत चालू है ना, कभी रोते हुए कहता है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, ग्वालिन मत पकड़ो मेरी बहिया, मेरो दुखे नरम कलैया, रोने लगते हो ना, आज तुमको छोड़ने वाली मैं नहीं हूँ, बहुत काबिल बन रहा है ना। तो भगवान के हाथ को पकड़ करके और गोपी ले जाने लगी। गोपी आगे आगे चल रही, भगवान अपने हाथ को ऐसे किए हैं, पकड़ी हुई है और चल रही है। और जब चल रही है तो कुछ दूर जाते जाते भगवान कह रहे गोपी तुमको थोड़ा भी दया नहीं है। और भगवान के साथ में उस गोपी का एक लड़का है जो कृष्ण का मित्र है, जो गोपी पकड़ करके ले जा रही है उसी का बेटा कृष्ण का सखा है, तो वो भी साथ में चल रहा है कृष्ण के साथ में। भगवान कहे तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, कभी से मेरे हाथ को पकड़ी हो, मेरा हाथ कितना कोमल है, कितना मुलायम है, इसमें दर्द हो रहा है, तुमको दया नहीं आ रहा है। तो गोपी चल रही है और जो गोपी का लड़का है वो कहता है कि आज बड़ा आनंद आएगा कन्हैया जब तुम मैया यशोदा के हाथों से पीटे जाओगे। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमको आनंद आएगा मैं पीटा जाऊंगा, तो तुमको तो सोचना चाहिए कि मैं कैसे बच जाऊं। दोनों इशारे इशारे में बात कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। मजा आएगा जब मैया मारेगी ना तब तो पता चलेगा। अच्छा बेटा समझ लेना, अगर आज मैं पीटा गया तो कल से चोरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कितना हूँ मैया मारे, इशारे से बात कर रहे हैं कितना हूँ मैया मारे, लेकिन कल से चोरी लीला में तुमको हम लोग नहीं ले जाएंगे। तो वो दुखी हो गया कि यार हमको ये नहीं ले जाएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। कृष्ण कह देख लो तुमको हमारे पिटवाने में आनंद है कि चोरी में चलने में आनंद है। अरे यार नहीं नहीं हमको आनंद नहीं आएगा। तो भगवान कह जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो कहा ठीक है जो कहोगे वही करूंगा। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, गोपी तो खूब खुश है चल रही है लेकर के हाथ। तो भगवान कह अरे गोपी तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, कभी से मेरे हाथ को पकड़िए, थोड़ा तो दया करो, इस हाथ को छोड़ो दूसरी हाथ पकड़ लो। तो गोपी पीछे देख नहीं रही है, हाथ छोड़ी और दूसरा हाथ पकड़ने के लिए चली। तो भगवान उसके लड़के के हाथ को पकड़वा दिए और वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोला कि अगर बोलूंगा तो कृष्ण हमको ले नहीं जाएगा। अब चुपचाप हो जा रहा है लड़का और गोपी खूब खुश होकर के जा रही है। और जब नंद भवन में गई तो कही ओ नंद रानी देखो तुम्हारे लाला को आज मैं पकड़ करके लाई हूं, देखो देखो। और कृष्ण दूसरे रास्ते से भागते हुए अपने घर में चले गए। और यशोदा कहती कि मेरे बेटा को पकड़ कर लाई हो, दिखाओ कहाँ है। तो जब यशोदा जी देखती तो हंसने लगती, कहती अरे बावरी तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा छोरा थोड़े है, ये तो तुम्हारा लड़का है। ए, मेरा लड़का, तुम्हारे लाला को मैं पकड़ करके लाई हूं। तो यशोदा जी कहते देखो तो सही किसका लाला है। तो जब मोड़ करके देखती है तो उसी का बेटा। तब तक भगवान दूसरे रास्ते से भाग करके मैया के पीछे आकर के कहे देखो मैया देखो, देख रही हो, देखो इसका लड़का चोरी करता है
और मुझको चोर बनाती है। भैया हमारे घर में किस चीज की कमी है कि इस भिखमंगिन के यहाँ हम चोरी करने के लिए जाएंगे। और गोपी एकदम लज्जित हो गई, एकदम संकोच में कुछ बोल नहीं पा रही है। कही महारानी जी, हे नंद रानी जी, हमसे गलती हो गया, वास्तव में मेरा ही लड़का चोरी किया था, आप क्षमा कर दीजिए। तो यशोदा कही आज से ऐसा उलाहना देने के लिए बताना। और बेचारी लज्जित होकर के जा रही है रास्ते में, और भगवान दूसरे मार्ग से फिर भाग करके आए और उसके सामने आकर के कहे, देख लो मेरा तो कुछ नहीं मिला नहीं, समझे, बहुत काबिल बन रही हो ना, तो मुझको चोर बना दोगी, कभी नहीं बना सकती हो। और गोपी कही अच्छा बेटा, आज तो बच गया, अब तुमको छोड़ोगे नहीं, बहुत बुद्धि लगा रहे हो ना। तो भगवान के ठीक है, तो पकड़ लेना, मैं देखता हूँ। भगवान तो भगवान है, कन्हैया फिर गए चोरी करने के लिए, कहे कि देखता हूँ तो क्या कर लेती है मेरा। फिर कृष्ण गए, और जब कृष्ण गए इस बार तो गोपी आई और पकड़ करके कही बेटा आज ले नहीं जाऊंगी। तो भगवान कहे आज क्या करोगी, तो कहेगी आज इसी खंभ में मैं बांधूंगी, तब तुमको समझ में आएगा। और जशोदा जो कहती है ना कि मेरा लड़का चोरी नहीं करता है, तो जशोदा को आज अपने घर बुला करके लाऊंगी और अपने घर में दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारा बेटा मेरे इसी घर में आकर के चोरी कर रहा था, देखो। तो कृष्ण कहे अच्छा बांधूंगी, हाँ गोपी कहे तुम यहाँ खड़े हो जाओ। तो भगवान छोटे हैं, खड़े हो गए। अब गोपी क्या की कि अपना दुपाटा दुपाटा रखी थी उसको निकाली और कृष्ण को खड़ा करके ऐसे बांधने के लिए चली, और बांधने के लिए चली, लेकिन भगवान तो भगवान है। अब वो बेचारी ऐसे करके रस्सी ऐसे करना चाहती है, लेकिन वो सरक जाता है, बंध नहीं पा रहा है, बार बार खुल जा रहा है, बांध रही है लेकिन खुल जा रहा है, भगवान ही खोल रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा, वो खुल रहा है। तेरे लाला तू बंध नहीं रहा है। तो भगवान कहे कि तू कभी जीवन में गुरु बनाई हो, बांधने वाला विद्या सीखी हो किसी से, कहे कि नहीं, इसके लिए भी गुरु बनाना पड़ता है। तो भगवान कहे तब संसार में कोई ऐसी विद्या नहीं जिसके लिए गुरु ना बनाना पड़े, तो आज तुम हमको ही गुरु बना लो। कहे कि तुम मेरा गुरु बनोगे, तुम सिखाओगे। तो हाँ देखो मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे ही तुम मुझको बांधना। तो कहे कि ठीक है। तो भगवान कहे खड़ी हो जाओ यहाँ, और देखो जैसे मैं बताऊंगा हु बहु वैसे ही बांधना, मिस्टेक मत करना। तो कहे कि ठीक है बेटा। तो गोपी खड़ी हो गई, कहे कि दो दुपाटा, दुपाटा ले लिए और ले करके एक राउंड दो तीन ऐसे करके तीन चार बार बांध दी, और बांध करके बस यही बंध ही रहो, मैं चलता हूँ, अब यही बंध ही रहो। इतना बांध करके भगवान चले गए। अब वो बेचारी अपने घर में अपने खंभ में अपने दुपाटा से बंधी हुई है। अब उसके पति खेतों में काम कर रहे थे, जब आए तो आए बुला रहे कि तुम कहाँ हो, मैं खेतों से काम करके आया हूँ, प्यास लगी है, भूख लगी है। वो कहते अरे घर के भीतर आइए, मैं तो बंध चुकी हूँ। कहे बंध गई हो, कैसे बंध गई हो, जब घर में गए तो देखे सही में वो बंधी हुई है। कहीं कहते कैसे तुम तो बंध गई, अरे मैं क्या बताऊं, नंद का छोरा मुझे बांध करके चला गया। कैसे वो बांध दिया, तो सब बात बताई। तो वो ब्रजवासी खूब हंसने लगे, कहें कि तुम लोग भी विचित्र हो, अरे छोटा सा बच्चा है, घर में आता है माखन खाने के लिए, तो प्रेम से बैठा करके उसको पवा देना चाहिए, खिला देना चाहिए, तो तुम लोग भी उसको बांधती हो। तो गोपी कहती कि हम लोग माखन के लिए थोड़े डिस्टर्ब होती हूँ, बहुत बर्बाद करता है, मटका फोड़ देता है, मक्खन फैला देता है, उत्पाद करता है ना, इसलिए बांधना पड़ता है। तो भगवान कहे कि ठीक है, बांध रही थी तो फिर क्यों रो रही हो, बांध ही रहो। तो कहे कि अरे क्या बताऊँ। फिर उसके पति खोल दिए और कहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह भगवान आनंद दे रहे हैं, लेकिन बार बार उलाहना तो जशोदा के यहाँ पहुंच ही जाता था। कोई दूसरी गोपी जाकर कह रही है कि देखो तुम्हारा लड़का उस गोपी को बांध करके आ गया है। तो जशोदा जी कृष्ण को पकड़ ली, कही कि बेटा तू क्यों ऐसे उत्पात करता है, मुझे बार बार रोज रोज शिकायत मिल रही है, तुम रोज कुछ न कुछ गलती कर रहे हो। तो भगवान मैया के हाथ में है
और भगवान आज मैया से कह रहे हैं कि मैया तुम इन गोपियों के बात को क्यों सुन दी हो, गोपियाँ एक नंबर की झूठी है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। तो देखिए भगवान अपने मैया से क्या बोल रहे हैं, इस पर एक छोटा सा भजन है, इसको गाँव की रहने दूँ, सुनिए, ब्रज का भजन है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको सुना दूँ। मैया अपने माँ से, भगवान कृष्ण अपने मैया यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा जी बड़े प्रेम से पकड़ ली है और करे कि बेटा रोज रोज शिकायत, ऐसा नहीं है कि गोपियाँ झूठ बोलती हैं, बेचारी क्यों झूठ बोले, हमको लगता है कि तुम ही झूठ बोलते हो, सही सही बताओ कि बात क्या है। मैया प्रेम से पकड़ ली है, आज गुस्सा में नहीं है, प्रेम है मैया के हृदय में और कृष्ण को पकड़ चुकी है, कहती बेटा सही सही बताना। तब भगवान कहते मैया सुनो, ऐसे तो मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन तू बार बार कर ही तो सुनो मेरे बात को। अरे मैया, भगवान बोले हैं, अरे मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए मैया, जब मैं घर से चलूं ग्वालिन घर में मो मैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मो ग्वालिन घर में मो बुलावे ग्वालिन घर में मो, हाँ ग्वालिन घर में मो बुलावे ग्वालिन घर में मो मैया, जब मैं घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर में मो। कहने के लिए मैया जब मैं घर से चलता हूँ तो गोपियाँ इशारे करके मुझको घर में बुलाती हैं, और क्या, अचक हाथ के झालो दे करे, अचक हाथ को झालो दे, मीठी बोले देवर कह कर, मीठी बोले मीठी बोले देवर कह कर, मीठी बोले। अरे मैया जानती हो मैं जब चलता हूँ ना तो लोग इशारे से मुझको घर में बुलाती हैं, कहती आ जाओ बेटा, तो मैं सोचता हूँ कि प्रेम से बुला रही हैं, और बुला करके क्या करती हैं कि अपने घर में ले जाती है, और निधड़क हो जाए शा कर दे कर, निधड़क हो, और जानते हैं क्या करती हैं कि घर में बुलाती हैं और बुला करके मेरे साथ बहुत उत्पात करती हैं, झपटी उतारे कांचनी लगुटी ले छिनाए, मैं बालक यह धीगड़ी कहाँ बताऊं तो, मुझको क्या मैं बताऊं ये लोग क्या करे, आप हूँ नाच मोयन जावे, आप हूँ नाच आप हूँ नाच मोयन जावे, आप हूँ नाच कहाँ बताऊं तो भैया, जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मो मैया, जब मैं और जानती हूँ मैं, इतना ही नहीं, एक दिन की बात है मैया, एक दिन की बात क्या है कि एक दिना पन घट पे मैया, एक दिना पन मैं बैठो एक ध्रुम की छैया, मैं बैठो एक ध्रुम की छैया,
भैया एक दिन की बात है कि पनघट पर वो गोपी पानी भरने के लिए गई थी और मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ढींग बैठो बलदाओ भैया, ढींग बैठो बल। जानती हो क्या हुआ कि बलराम भैया भी बैठे हुए थे तब तक। ये पहुंची ले गागरिया, ये गोपी गागरी लेकर के पहुंची और फिसलो या को पाँव, इसका पैर फिसल गया। मेरे मोहन पड़े गई भी धक्का दीनो श्याम, ये क्या कहती है कि मोहन ने मुझको धक्का दिया इसलिए मैं गिर गई हूँ। अरे मैया मैं क्या बताऊँ, तेरे मुंह पर लोग तुम्हारी बड़ाई करती हैं लेकिन जानती हो तुमसे अलग जब होती हैं तो क्या करती हैं, तेरे मुंह पर करे बड़ाई, तेरे मुंह पर बाहर निकसत करें बुराई, बाहर निकसत करें बुराई। देखो मैया तुम नहीं जानती हो, ए ब्रज की भीख लुगाई, यह ब्रज की इनको पति आयो करो, मैं झूठो ये साथ। तुम इन्हीं लोगों के बात को विश्वास कर रही हो और कहती हो कि ये लोग सच्ची हैं और मैं झूठा हूँ। अरे मैया तुमको पता नहीं है, अजि चोर नाम धार्यो मेरो, ये लोग तो चोर कहती ही हैं। अगर तुम भी चोर करने लगोगी, हमको चोर कहने लगोगी तो हो या न मेरो ब्याह। अगर तुम भी मुझको चोर कहोगी तो मेरा जीवन में कभी विवाह ही नहीं होगा, तो फिर तुम ही रोगी कि हमारा लड़का का विवाह नहीं होगा। इसलिए मैया कम से कम तुम तो मुझको चोर मत कहा करो, तुम चोर मत कहो मुझे। तो मैया कही अच्छा तू चोरी नहीं करता, तो ना मैया मैं कभी चोरी नहीं करता। तो जसोदा जी कही चलो मैं मान लेती हूँ तुम चोरी नहीं करते। तो इस तरह भगवान मतलब अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए मैया जसोदा से इस प्रकार कह रहे हैं। लेकिन भगवान माखन के तो चोरी करते ही थे। अब एक दिन क्या हुआ कि मैया के मन में आया कि हो न हो मेरा जो लड़का है चोरी क्यों करता है, क्योंकि मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता है। और मैया के मन में विचार आने लगा कि देखो लड़का है ये तो झूठ बोल ही रहा है, ये गोपियाँ झूठ नहीं बोलती हैं, ये लोग बिल्कुल सत्य कह रही हैं, कृष्ण अवश्य ही चोरी करने के लिए जा रहा है। अरे एक गोपी झूठ बोलेगी दूसरी बोलेगी, जिन गोपियों को मैं सुनती हूँ सब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैया आपका बेटा हम लोगों के घरों में आता है चोरी करने के लिए, तो गोपियाँ क्यों झूठ बोलेंगी। इसका मतलब यह है कि मेरे घर का माखन मधुर नहीं है, मीठा नहीं है, यही कारण हो सकता है। तो जसोदा जी के मन में आया कि मैं तो घर के माखन बनाती नहीं हूँ, घर के माखन ये हमारी जो दासियाँ हैं ये लोग बनाती हैं। तो जसोदा जी के मन में आया, ये लीला कार्तिक दीपावली के दिन की है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि एकदा गृहदासेषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मांतर नियोक्ताशु निर्ममंथम स्वयं दधि। स्वयं शब्द सिद्ध कर रहा है, स्वयं शब्द जो है स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं मैया दधि मथने के लिए जा रही है। तो स्वयं शब्द से सिद्ध हो रहा है कि मैया रोज माखन नहीं बिलोती थी, रोज दही को नहीं मथती थी, रोज दासियां घर के काम करती थी। तो एक दिन मैया के मन में आया एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, जो नंद की गेहिनी है जो नंद पत्नी है यशोदा, वह क्या की कि अन्य दासियों को अन्य कामों में लगा करके और स्वयं दही मथने के लिए जा रही है। अन्य दासियों को कही कि तुम लोग क्या करो कि तुम लोग दूसरी काम कर दो, घर में बहुत काम है,
तो उन सब कामों को तुम लोग कर लो और मैं स्वयं अपने बेटा के लिए दही मथूंगी, माखन तैयार करूंगी। जसोदा जी के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, वात्सल्य प्रेम। मैया के मन में रहे कि लोग पैसा लेने वाली नौकरानी हैं, रुपया पैसा लेती हैं, इस पर काम करती हैं, इन लोग के हृदय में तो कोई प्रेम है नहीं बेटा के प्रति। माखन खट्टा है कि मीठा है उससे इन लोगों को मतलब है नहीं, इन लोग का तो केवल अपनी ड्यूटी से मतलब है, काम करो तभी तो पैसा मिलेगा। लेकिन हमको तो प्रेम है बेटा के प्रति। हमारा लड़का आखिर दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए जा क्यों रहा है? इसका मतलब कि घर का माखन मधुर नहीं है। तो इन बातों को विचार करते हुए मैया यशोदा, और एकदा का अर्थ है एकम ददाति इति एकदा, जो एक को देना चाह रही है, अर्थात जो कृष्ण को जन्म देती है। कृष्ण जैसे बालक को जिस मैया ने जन्म दी है उसको एकदा कहते हैं। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। तो मैया यशोदा एकदा, एक समय की बात है, कार्तिकेय मासे दीपावली के दिन की बात है कि मैया के मन में इस तरह का विचार आने लगा। और मैया मन ही मन विचार करके प्लान बनाई कि आज माखन मैं स्वयं मथूंगी, इन दासियों से माखन नहीं मथवाऊंगी। तो उसके लिए मैया क्या की कि कृष्ण को सोए हुए अवस्था में, कृष्ण को प्रतिदिन अपने गोद में लेकर के सोती थी, एक पलंग पर कन्हैया को अपने पास लेकर के मैया सोती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भगवान। तो मैया क्या की कि इस तरह के विचार करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जग गई। ऐसे रोज भी जगती थी लेकिन उस दिन जगी और जग करके सुबह में ही स्नान आदि करके सुंदर तिलक दी, श्रृंगार की, सुंदर वस्त्र रेशमी वस्त्र पहनी, अपने जूड़ा में पुष्प माला लगाई, चमेली और मालती के पुष्प की माला लगाई, सुंदर श्रृंगार आदि करके माला जो धारण करना चाहिए सब कुछ करके तब तो माखन मथने के लिए जा रही। सुबह क्यों जा रही है? इसलिए कि जितना सुबह आप दही को मथेंगे उतना ही मीठा माखन तैयार होगा, और जितना ही लेट करेंगे उसमें से खटापन आने लगता है। तो मैया कृष्ण को मधुर सुस्वादु माखन खिलाना चाहती है, यह भाव है मैया के हृदय में। तो मैया यशोदा करती क्या है कि सुबह उठ करके और सीधे पलंग पर कन्हैया को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके नीचे उतरी और जा करके माखन मथना प्रारंभ कर दी है। माखन कैसे मथ रही है? यानी यानी गीतानी तदबाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यानी यानी ही गीतानी, यानी यानी अर्थात जो जो भगवान कृष्ण ने लीला किया है, इससे पहले जो लीला किए हैं कृष्ण, जैसे पुतना का वध, शक्तासुर का वध, तृणावर्त का वध, ब्रह्मांड दर्शन, ये सब जो भगवान लीला किए हैं, उन उन यानी यानी माने उन उन लीलाओं को मैया स्मरण कर रही है। कब स्मरण कर रही है? जब माखन मथ रही है। आप लोग ध्यान देना, भजन करने की पद्धति क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे काम करना चाहिए। अपने घर में काम करना है लेकिन हाथ से काम करना है और मुख से कृष्ण का नाम जपना है हमेशा सदैव। तो मैया यशोदा अपने हाथों से तो रस्सी खींच रही है और अपने मन में श्री कृष्ण के उन लीलाओं को स्मरण कर रही कि मेरा बेटा, मेरा कन्हैया 6 दिन के अवस्था में पुतना जैसे राक्षसी का वध कर दिया। अरे देखो तो सही, मेरा बेटा अभी 3 महीना का था, उस समय एक असुर जो शक्तासुर आया उसको मार दिया, मेरे कान्हा ने 1 साल के अवस्था में तृणावर्त जैसे असुर का वध कर दिया। उन लीलाओं को स्मरण कर रही है और स्मरण ही नहीं, स्मरण करते हुए गीतानी उसको गा रही है। तद बाल चरितानी, अपने बालक के चरित्र का वर्णन करते हुए मैया यशोदा सुंदर दही का मंथन कर रही है। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से मैया करती क्या है कि दही को मथ रही है। गीतानी तद बाल चरितानी, अपने बालक के चरित्र को गाते हुए दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य अगायत।
उन लीलाओं को स्मरण और अगायन, अगायन माने गायन, कीर्तन कर रही हैं। हम लोगों को भी यह शिक्षा लेना है कि अपने घर के काम करें, रोटी बनाएं हाथ से और मुख से कृष्ण नाम को गाएं। जितना ही कृष्ण नाम गाएंगे, प्रसाद बनाते समय उसमें अमृत का वर्षण होगा। जो माता जी लोग भोजन तैयार करती हैं उस समय कृष्ण नाम को गाना चाहिए, भगवान के कथा लगा करके सुनते हुए काम करना चाहिए। उस समय मोबाइल चला करके फालतू चीज नहीं सुनना चाहिए, रोटी बनाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लड़कों का मन सही नहीं रहेगा, पति आएगा तो झगड़ा लड़ाई करेगा। अगर सुंदर ढंग से कीर्तन करते हुए अगर प्रसाद बनाएंगे तो जो पति प्रेम नहीं करते होंगे वो भी प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। सारे समस्याओं का निदान भागवत में है, सारे रोगों का निवारण भागवत में है। अगर कोई भागवत को सुने ध्यान से तो इसमें सारा उपाय है, समस्त प्रकार के जो समस्या है संसार में उनका निराकरण इसमें है अगर हम सुनेंगे तो। अगर आप प्रसाद बनाते हैं, आप खेती करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं, यहाँ शिक्षा है। अगर नियम बना लीजिए कि हम कोई भी काम करेंगे भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे अगर पैसा मिलेगा तो उसमें से अपने प्रभु के लिए जरूर निकालेंगे, उनको देंगे, तो सारा चीज शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर मैया अपने कन्हैया के लिए माखन तैयार कर रही है और कन्हैया के ही चरित्र का गायन कर रही है और स्मरण भी कर रही है, चिंतन भी कर रही है। नवधा भक्ति है, मैया नव भक्ति कर रही है, मैया के द्वारा नौ प्रकार की भक्ति हो रही है यहाँ पर। और उस समय जब माखन मथ रही है तो उस समय क्या हो रहा है कि मैया शरीर में रेशमी वस्त्र पहनी है, छौमम वास, छौमम कहते हैं रेशमी वस्त्र को। मैया रेशमी वस्त्र क्यों पहनी है? रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो मैया इसलिए पवित्र वस्त्र पहनी है कि मैं माखन तैयार करने जा रही हूँ कन्हैया के लिए, किसी प्रकार का किसी की दृष्टि गलत भाव से न पड़े, और मैं बालक को माखन तैयार करने जा रही हूँ तो शुद्ध कपड़ा पहन करके करना चाहिए। आजकल के लोग उठते हैं और चाय बनाने के लिए चले जाते हैं, उसी अशुद्ध कपड़ा से जाते हैं चाय बनाने के लिए, बना के लोग पी लो पिलाते हैं तो एक तरह से वो जहर का काम करता है, ऐसा अगर कोई पिएगा तो मरेगा नहीं, रोग नहीं होगा। अगर वास्तव में प्रेम है अपने पति से, प्रेम है अपने पुत्र से, प्रेम है अपने भाई से, प्रेम है अपने पिता माता से, तो शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रेम से भोजन आदि तैयार करना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। आजकल उठते ही चाय चाय चाय, सारा हुआ ब्रेड, वहीं सब खा करके बड़ा खुश रहते हैं और कहते हैं कि हम तो बड़ा आगे बढ़े हुए हैं, हमारा विकास हो रहा है, विकास नहीं विनाश हो रहा है। ये विकास क्या है बताइए? सड़ा हुआ चीज को खाना विकास है? बिना स्नान किए भोजन बनाना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये सब तो एक तो जनरल चीज है, इसको सीखना चाहिए व्यक्ति को। मैया देखिए क्या कर रही है, अपने पुत्र के लिए बनाने के लिए जा रही है तो सब तरह से ध्यान दे रही है कि हमको कपड़ा पहनना है शुद्ध, यानी कि जिस कपड़ा को पहन करके रात में सोए हैं उसी से उठे और सीधे किचन में घुस गए, ऐसा नहीं करना है। किचन की सफाई सुंदर ढंग से, उसमें सुंदर गंगा जल आदि यमुना जल को छिड़कना चाहिए, पवित्र करके बर्तन को शुद्धता पूर्वक धोना चाहिए और धो करके प्रेम से हाथ आदि को मांझ करके साफ करके बनाते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए अगर कोई प्रसाद बनाए और उस भोग को भगवान को भोग लगा करके अपने बच्चों को अपने पति खिलाया जाए तो उसका मन क्यों नहीं शुद्ध होगा? लोग कहते हैं कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता है, हमारा लड़का मेरा बात नहीं मानता, क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? आप बढ़िया से नहीं खिलाओगे तो क्यों मानेगा? गलत चीज खिलाओगे तो गलत ही सोचेगा ना। आप भोग लगा करके खिलाना चालू कर दो, रोज आकर के आपको प्रणाम करेगा, आपके बात मानेगा, आपका सेवा करेगा, लेकिन करने का तरीका सीखना पड़ेगा ना। और ये कब सीखेंगे? जब भागवत को सुनेंगे, भागवत को पढ़ेंगे, वैष्णवों का संग करेंगे, ऐसे आयोजनों में आएंगे, ऐसे साधुओं के आदेश को सुनेंगे, तब न होगा, तब न सीख पाएंगे।
ये सब सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। कहानी खींचा तो हम लोग 10 मिनट में भागवत को समाप्त कर देंगे, एक श्लोक बोलेंगे संपूर्ण भागवत हो जाएंगे। भागवत सुनने का मतलब क्या है कि अपने जीवन में इसको उतारना, अपने आचरण में लाना, प्रैक्टिकल में, तब समझिए कि भागवत सुनना सार्थक है। कहानी किस्सा कहने वाले बहुत लोग हैं, कुछ सुनाएंगे, कुछ लेंगे, चले जाएंगे अपना पोटरी बांध करके। इसके लिए भागवत नहीं है, भागवत है भगवान को देने के लिए। और कब भगवान मिलेंगे? जब हम स्नेह के साथ में श्रवण करेंगे, प्रेम के साथ में बैठेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। मैया जसोदा रेशमी वस्त्र पहनी हुई है, छौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। पुत्र स्नेह स्नुता, मैया के ऊपर रेशमी वस्त्र है, उनके स्थूल कटी नितंबों के ऊपर कमर में रस्सी बंधा करधनी बांधा हुआ है, और पुत्र स्नेह स्नुता, पुत्र के स्नेह के कारण, अपने पुत्र के प्रति स्नेह है तो प्रेम होने के कारण मैया के स्तन से दूध अपने आप नीचे चू रहा है। पुत्र के प्रति प्रेम है, पुत्र के प्रति अधिक स्नेह होने के कारण उनके स्तनों से दूध नीचे गिर रहे हैं, और मैया का जो भौहें हैं, नेत्र हैं, वो बड़े बड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैया जब अपने हाथों से रस्सी खींच रही हैं मक्खन मथते समय, बहुत बड़ा मथानी में दही है, और रस्सी लेकर के कभी ऐसे कर रही, तो घर 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 आवाज हो रहा है, और ऐसे करने से मैया के मुख पर पसीने आ रहे हैं। वो पसीना कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे किसी के मुख पर मोती चमकता है। मैया का मुख गौर वर्ण का है और उस पर पसीने इतने सुंदर चमक रहे हैं। और मैया जो मालती के माला पहनी हुई हैं, वो मालती का माला देख रहा है कि यह मैया यशोदा प्रभु कृष्ण के लिए माखन तैयार कर रही हैं। उनके हृदय में कितना शुद्ध प्रेम है, कितना शुद्ध भक्ति है। इसको देख करके फूल सोचने लगा कि अरे अरे अरे, मैया यशोदा कितनी बड़ी भक्त हैं, इतने बड़े भक्त के सिर पर मैं बैठा हूँ। वो फूल सोचने लगा, आजकल के मनुष्य भी नहीं सोचते हैं, और वो फूल होकर के सोच रहा है कि ऐसे परम भक्ता के सिर पर मैं बैठा हूँ, मेरा स्थान सिर नहीं, मेरा स्थान तो इनके चरणों में है। वो फूल तुरंत टूट करके नीचे गिरने लगा यशोदा के चरणों में। यशोदा जी मंथन कर रही और पुष्प ऊपर से टूट टूट करके फूल नीचे गिरने लगा मैया यशोदा के चरण में, कि ऐसे भक्त के चरण को पकड़ना चाहिए हमको। ऐसे चरणों को पकड़ेंगे तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह मालती के फूल सोच रहे हैं, और टूट टूट करके मैया यशोदा के चरणों में आ करके गिर रहे हैं। और मैया बड़े आनंद के साथ अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम है कि प्रेम के कारण मैया यशोदा मक्खन तैयार कर रही है। और उधर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण को पूर्ण काम कहा जाता है। भगवान पूर्ण है, पूर्ण का मतलब होता है कि जिनको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मदोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते। वो पूर्ण है, उनमें से कितना हो निकालिए वो अपूर्ण होने वाले नहीं है। उस पूर्ण पुरुष पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण आज स्तन पीने के इच्छुक हो गए, स्तन में काम हो गए। जिनके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, वह आज भगवान कृष्ण अपने मैया के दूध को पीने के लिए मचल गए। वह पूर्ण काम भगवान स्तन काम हो गए। और जब ही उनकी आंखें खुली, रात्रि के समय जो सोए हुए थे, और जब ही उनका आंख खुला तो पलंग पर देख रहे हैं कि मैया नहीं है, माँ यशोदा पलंग पर दिखाई ही नहीं दे रही है। छोटे बच्चे देखने लगे, अरे माँ कहाँ गई, मैया कहाँ गई, तो देखते हैं कि है नहीं। और भगवान कृष्ण पलंग से नीचे उतरते हैं, और नीचे जब उतरे तो आवाज सुनाई दे रहा है, मैया जो कीर्तन कर रही है, चुपचाप माखन नहीं मथ रही है, कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम।
के कान में मैया का कीर्तन सुनाई दिया। मैया तो उधर गा रही है कुछ, तुरंत कन्हैया कृष्ण जब मैया के पास पहुंचे तो मैया उस समय दधि मथ रही थी, बड़ी प्रेम से अपने आंख को बंद की हुई है, कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए, यान यान गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान के सुंदर लीलाओं का स्मरण करे, मैया का मुख प्रसन्न से खिला हुआ है, मुख पर पसीने के बूंद हैं, मालती के फूल झरझर झरझर नीचे गिरता हुआ मैया के चरणों में गिर रहा है और मैया मंथन कर रही और कृष्ण गुणों को गा रही है। उसी समय भगवान वहां पहुंच गए और जब कृष्ण पहुंचे तो मैया जो मथ रही थी सीधे भगवान जाकर के मैया के हाथ को पकड़ लिए, ऐसे रोक दिए, सीधा निसधक रोक दिए, मना कर दिए, नहीं ये नहीं करना। तब मैया का आंख खुला, देखिए अरे बेटा तू कैसे लाला, तो भगवान जोर जोर से रो रहे हैं, रो करके यह दिखाना चाहते हैं कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और तुम हमको छोड़ करके यहाँ चली आई हो। भगवान ऐसे रो रहे हैं तो मैया देख रही है, तब तक अभी सोच ही रही है तब तक कृष्ण तुरंत छलांग लगाए और मैया के गोद में चले गए और हाथ तो पकड़ ही लिए थे। अब मैया क्या कि मथानी छोड़ दी और वहीं बगल में बैठ गए अपने बेटा को गोद में लेने, बड़े प्रेम के साथ में बैठ गई। कृष्ण मैया के गोद में बैठ चुके हैं और भगवान स्वयं मैया के कंचुकी से अस्ता निकालते हैं और अपने मुख में डाल लेते हैं और मैया बड़े प्रेम से पिलाने लगी मुस्कुराते हुए। कृष्ण को देख रही है कि देखो ये कितना अधिकार पूर्वक मुझको रोक रहा है और कैसे पी रहा है। तो मैया भी बड़े प्रेम से एक हाथ से कृष्ण के सिर के ऊपर अपने हाथ को फेर रही है, सहला रही है और बड़े प्रेम से कृष्ण को देख रही है और कृष्ण भी मैया को देखते हुए भगवान मंद मंद मैया के तरफ मुस्कुरा रहे हैं। जब हंस रहे हैं भगवान तो उनके दो जो दांत है वो चमक रहा था, खूब सुंदर सफेद श्वेत दांत चमक रहे हैं और मैया के स्तन का पान कर रहे हैं। मैया कृष्ण को देख रही है, कृष्ण मैया को देख रहे हैं और दोनों इस तरह देखते हुए लीला चालू है। कब लीला चालू हुआ था, समय कब है, सुबह मंगल आरती के समय सब लीला चालू हो चुका है। ध्यान देना आप लोग, मंगल आरती का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, कृष्ण मैया के स्तन पी रहे हैं और मैया बड़े प्रेम से अपने पुत्र को पिला रही है। जब पिला रही थी तो बगल में अंगाठी पर अग्नि के ऊपर एक बहुत बड़ा मटका में पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। वो दूध कैसा है कि 9 लाखों गाय के दूध दूह करके 10,000 गायों को पिलाया गया था और 10,000 गाय का दूध दूह करके 100 गाय को पिलाया गया था और 100 गाय का दूध दूह करके 10 गाय को पिलाया गया था और 10 गाय का दूध दूह करके 1 गाय जो पद्मगंधा गाय थी उसको पिला दिया गया था और उस दूध को निकाल करके गर्म किया जा रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। औषधि युक्त जो औषधि उस पद्मगंधा को खिलाया जाता ऐसे दूध को गर्म किया जा रहा था कि बार बार तो मैया अपना स्तन पिलाएगी नहीं तो उस दूध को जब कृष्ण को भूख लगेगा तो पिलाया जाएगा, इसीलिए उस दूध को गर्म किया जा रहा था। कम अंगाठी पर वो दूध गर्म हो रहा था और इधर मैया बड़े प्रेम के साथ में श्री कृष्ण को पिला रही हैं, कृष्ण बड़े आनंद से पी रहे हैं। तो जब दूध देख रहा है आग पर गर्म हो रहा था वो दूध मटका में जो दूध था वो देख रहा है कि अरे मैया तो बड़े प्रेम से अपने पुत्र को दूध पिला रही है और कृष्ण भी बड़े आनंद से दूध पी रहे हैं तो मैया के स्तन का दूध कभी कम होने वाला है नहीं। अगर कृष्ण मैया के दूध पी लेंगे उनका पेट भर जाएगा तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, वो दूध सोच रहा है और जब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीना व्यर्थ है, इस जीवन को धारण करके क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, क्यों ना मैं कृष्ण के सामने ही अपना आत्महत्या कर लूं, वो दूध सोचने लगा। आजकल के मनुष्य लोग नहीं सोचते हैं लेकिन वो दूध सोच रहा है कि हम जी करके क्या करेंगे, हमारा जीवन रह करके क्या कीजिए, शरीर कृष्ण सेवा में न लगे,
ये सोच करके दूध अपने को आत्महत्या करने के लिए जलाने के लिए वो मटका से ऊपर आने लगा। ऊपर की ओर आ रहा था तब तक मैया की दृष्टि दूध के ऊपर पड़ गई। भैया कह रही तो दूध ऊपर आ रहा है, तो मैया क्या की कि तुरंत कन्हैया को अपने गोद से झट नीचे उतार दी, जो कि कृष्ण अस्तन भी रहे थे। कृष्ण के मुख को मैया अपने हाथों से निकाली और निकाल करके तुरंत कृष्ण को नीचे रख करके दौड़ती है दूध बचाने के लिए। तब तक दूध कहा कि अरे 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 मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब दूध देख रहा है कि मैया तो कृष्ण को नीचे रख दी, अब दूध एकदम दुखी हो गया और सोचने लगा कि अरे अरे मैंने कितना बड़ा अपराध किया भक्त के चरणों में। मैया कितनी महान भक्त हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में मैं तो अपराध कर दिया, मेरे कारण मैया कन्हैया को भगवान को नीचे उतार दी। और यह सोच करके वह लज्जित हो गया, शर्म के मारे अपने आप नीचे आकर के छिप गया। अरे मैं तो बहुत बड़ा गलती किया, और दूध नीचे आ गया। और जब दूध नीचे आया तो मैया कही अब नीचे आओ चाहे ऊपर आओ, अब तुमको मैं इस पर नहीं रहने दूंगी। वो गर्म हो ही गया था दूध, अब मैया मटका को उठाई और साइड में ले जाने लगी रखने के लिए। देखिए भगवान के सेवा के लिए भगवान को भी छोड़ा जा सकता है। डायरेक्ट भगवान मैया के दूध पी रहे थे। अगर मैया सोचती कि चलो कुछ भी हो मैं कृष्ण को दूध तो पिला ही रही हूँ ना, लेकिन मैया क्या की सोची कि नहीं नहीं ये दूध नहीं रहेगा तो फिर कृष्ण को बाद में क्या पिलाया जाएगा। तो कृष्ण सेवा की भाव में होकर के कृष्ण को डायरेक्ट छोड़ रही है। अगर भक्त के सामने यह समस्या आ जाए कि हमको सेवा डायरेक्ट कृष्ण के कार्य करना है कि और दूसरा भी भगवान का सेवा है उसको किया जाए, तो अगर वो सेवा करना है दूर भी जाना पड़े कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण से दूर भी जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के पास ही रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, नहीं, सेवा की प्रधानता देनी चाहिए। अगर गुरु महाराज आदेश दे दिए कि आप जाओ वहाँ उस मंदिर में जाओ वहाँ सेवा करो ऐसे करो, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम तो वृंदावन ही रहेंगे, वृंदावन रहेंगे तभी हमको भगवान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रचार के लिए आपको कहीं भी गुरु महाराज भेज रहे हैं तो आदेश मांग करके जाना चाहिए। यहाँ ये शिक्षा है, हम लोगों को सीखना है। ये नहीं कि अरे कार्तिक का महीना चल रहा है हम इधर पड़े हुए हैं, हम भी वृंदावन में जाते तो बहुत अच्छा रहता। वृंदावन जाना अच्छा है, लेकिन जहाँ अगर सेवा के लिए आपको कहीं भेजा जा रहा है तो उस समय दुखी नहीं होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान के सेवा में नियुक्त किया जा रहा है, मैं उसके अधिकारी हूँ, और खुश होकर के सेवा करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो वृंदावन ही रहना है, मैं वृंदावन में ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ भगवान को डायरेक्ट मैया जसोदा छोड़ करके सेवा भाव में जाकर के दूध बचा रही, और इधर कृष्ण की स्थिति क्या होती है। कृष्ण कहते अच्छा आज मुझे समझ में आया कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरे से तो ज्यादा दूध से प्रेम करती है, आज मैं समझा। कृष्ण को गुस्सा आ गया, बालक है छोटा बच्चा है, कृष्ण को गुस्सा आ गया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते कि संजात को पह स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधी दधि मंथ भाजनम भित्वा मृषास्रो दृष्टदश्मनादहो जघास हयंगवमंतरम गतः। कोप संजात, उस समय श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और क्रोध में हो करके अस्फुरित अरुण अधरम फड़कते लाल ओष्ठ को, उनका ओष्ठ फड़कने लगा क्रोध के मारे, ऊपर नीचे होने लगा। दद्भि संदस्य, वो क्या किए कि अपने ओष्ठ को अपने दांतों से ऐसे ऐसे दबा दिए, भगवान क्रोध में है, अपने दांत से अपने ओष्ठ को दबाते हुए दधि मंथ भाजनम, दधि मंथन के मटके को जिसमें मटका में दही रखा हुआ था, बहुत बड़ा मटका था ददिया सास का, जसोदा जी के सासू माँ का
पुराना मटका था जिसमें दही रखा जाता था, भगवान क्या किए क्रोध के मारे कि कहे कि अच्छा आज तुम गई हो दूध बचाने के लिए ना, अभी मैं बताता हूँ कृष्ण। और क्रोध में होकर के इधर उधर दृष्टि डाले तो देखे कि एक छोटा पत्थर का बेटा था वहां पर, पत्थर का पुत्र, बड़ा पत्थर का एक छोटा लड़का था, छोटा सा पत्थर अर्थात लोढ़ा जिससे मसाला पीसा जाता है उसको शिला पुत्र कहते हैं। तो भगवान उसको देखे वहीं पर था, तुरंत उसको उठाए और कहे कि ठीक है अभी मैं बताता हूँ, तू जाओ दूध बचाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और जो पुराना मटका था जिसमें मक्खन भरा हुआ था दही, उस मटके को नीचे से ऐसे उठाए और उठा करके और पत्थर जो लिए थे छोटा सा उसको ले करके और ऐसे करके इसमें नीचे मारे और जो ही मारे मटका फूट गया और फूटते ही उसमें से दही फैलने लगा। जब दही फैलने लगा तब कृष्ण कहे कि अरे तो मैं बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये तो दही फैलने लगा। अब कृष्ण क्या करते हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा, श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उसी समय भगवान कृष्ण अब वहां से भागना प्रारंभ करते हैं, भाग रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अब भाग रहे हैं और जब भाग रहे हैं कृष्ण तो दही जो है कृष्ण के चरणों में लग रहा है और जैसे जैसे कृष्ण जा रहे हैं चरण चिन्ह बनता जा रहा है, कृष्ण का चरण चिन्ह बन रहा है, चरण चिन्ह बनता गया। और भागते भागते भगवान गए दूसरे घरों में और दूसरे घरों में जा करके हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान भागते हुए गए और भागते हुए जा करके दूसरे घरों में श्री कृष्ण किए क्या कि भागते हुए गए और जा करके दूसरे घरों में माखन रखा हुआ था उखल के ऊपर चढ़ गए और उखल के ऊपर चढ़ करके जो मटका में माखन रखा हुआ था पुराना माखन, जसोदा जी के यहाँ बहुत माखन रहता था, बहुत गाय थी ना तो दूध दही का तो कमी है नहीं, तो मैया उधर दूध बचाने के लिए गई है और इधर श्री कृष्ण उखल के ऊपर चढ़ करके और जो माखन था उस माखन को ले करके खा रहे हैं, पुराना माखन था बासी माखन। भगवान माखन क्यों खा रहे हैं, भगवान यह दिखाना चाहते हैं, ये सब भाव है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि का भाव मैं बोल रहा हूँ, अब टीका अगर बोलूँगा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि भगवान कृष्ण बासी माखन खाने लगे, उनके खाने का भाव यह था कि मुझे इतना भूख लगा है और तुम मुझको छोड़ करके दूध बचाने के लिए गई हो, आज इतना बासी माखन खाऊंगा कि बीमार हो जाऊंगा और जब बीमार हो जाऊंगा ना तब तुमको मथुरा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा जब मेरा तबीयत खराब होगा और जब हॉस्पिटल में ले जाओगी दवा कराने के लिए और जब पैसा लगेगा तब समझ में आएगा कि दूध बचाने से क्या फायदा हुआ है, ज़्यादा काबिल बन दी हो, एक भाव तो ये है। और दूसरा भाव भगवान का क्या है, भगवान वहां जा कर के बंदरों को बुला दिए, कहे कि आ जाओ जितने ब्रज के बंदर हो सब आ जाओ। भगवान बंदरों को क्यों बुलाए, कहे कि आज मुझे मौका मिला है, रामा अवतार में तुम लोग मेरी बहुत सहायता किए हो,
उस समय जब मैं था वनवास के समय, तो उस समय मेरे मित्र साथी तुम ही लोग थे। पुल बांधते समय तुम लोग कितना मेहनत किए, सीता के खोजने में कितना सहायता किए हो, लेकिन उस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन आज तो मेरे पास इतना माखन है, तो चलो उस समय नहीं दिया लेकिन अब तो मैं दूंगा, आ जाओ सब खा लो। भगवान याद कर रहे, किए हुए को भगवान को याद है, भगवान कृतज्ञ हैं, कृतघ्न नहीं है। आजकल के लोग कृतघ्न होते हैं, और भगवान यही शिक्षा देते हैं कि कृतघ्न नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक बार भी कुछ भी कर दिया है तो उसको याद रखना चाहिए, उसको कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ में और कृतघ्न में बहुत अंतर है। कृतघ्न इतने नीच होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक कृतघ्न की कथा सुना देता हूँ। ये जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे वृंदावन में और भागवत, तो जो हम लोग को गुरु जी पढ़ाते थे न्याय, 102 बरस के गुरु जी थे जो पढ़ाते थे, बहुत बड़े इस्कॉन मंदिर के बगल में ही एक आश्रम है, धर्म संघ है, संस्कृत विद्यालय, तो उसमें हम लोग पढ़ने जाते थे सुबह सुबह। तो गुरु जी बताए थे ये बात, कृतघ्न की कथा सुनाए थे कि कृतघ्न इतने नीच होते हैं कि क्या कहा जाए। एक बार की बात है, एक चंडाल व्यक्ति, चंडाल किसको कहते हैं, जो कुत्ते के मांस को खा करके पचा लेता है, हजम कर लेता है, उसको चंडाल सोपच कहते हैं। तो एक बार एक चंडाल अपने लिए कुत्ता का मांस पका रहा था खाने के लिए, और किस चीज़ में पका रहा था, मनुष्य के खोपड़ी को बर्तन बनाया था, मनुष्य का जो सिर था उसको बर्तन बनाया था, और चूल्हा पड़ा करके उसमें रक्त मांस पीप कुत्ता का सब डाल करके पका रहा था। और तब तक एक व्यक्ति जा रहा था, तो जा रहा था तब तक दूसरा व्यक्ति निकलने लगा, तो उस चंडाल की दृष्टि दूसरे व्यक्ति पर पड़ी, तो उसको देख करके क्या किया कि एक चमड़ा था, उस चमड़ा से जो अपने लिए भोजन तैयार कर रहा था कुत्ता के मांस, उसको ढक दिया, ढक दिया। और जब वह व्यक्ति चला गया तब उस ढक्कन को, चमड़ा को हटा करके फिर पकाने लगा। तो जो पहला व्यक्ति देख रहा था वो पूछने लगा, अरे भाई तुम्हें क्या कर रहे हो, अभी तुम पका रहे थे लेकिन जब वो व्यक्ति गया तो उसको देख करके तुम इसको ढक दिया, ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि जानते हो कौन व्यक्ति था जो जा रहा था, जिसको देख करके मैं ढक दिया, वो कृतघ्न व्यक्ति था, उसकी दृष्टि अगर मेरे भोजन पर पड़ेगी तो मेरा भोजन अशुद्ध हो जाएगा। वो बोल रहा है, बताइए भोजन शुद्ध कहा है, लेकिन कह रहा है कि कृतघ्न की दृष्टि पड़ेगी तो ये और ज्यादा अशुद्ध हो जाएगा। उस मांस से भी वो व्यक्ति गया बीता है, कुत्ता से भी गया बीता है, चंडाल से भी गया बीता है। कृतघ्न इतने मतलब निम्न स्तर के होते हैं, किए हुए को अगर जो भूल गया उसको कृतघ्न कहते हैं, और कृतज्ञ उसको कहते हैं कि जो एक बार भी कर दिया उसको याद रखता है। भगवान की यही विशेषता है, रहते न प्रभुचित चूक किए की करत सुरत सयबार की करत सुरत सयबार की। किए हुए को भगवान कभी नहीं भूलते हैं, और इतना याद करते हैं कि प्रभु तर तर कपिडार पे सो कियो आप समान तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। भगवान इतना महत्व देते हैं कि अपने जमीन पर बैठते हैं और अपने भक्तों को पेड़ के ऊपर छोड़ देते हैं, बैठो, अपने से ऊपर बैठाते हैं, क्योंकि वो याद रखते हैं कि इसने हमारे लिए किया है। आज श्री कृष्ण ने याद किया कि बेचारे हमारे जीवन में बहुत पहले हेल्प कर चुके हैं, उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन आज तो मेरे पास है, तो आज नहीं दूंगा तो कब दूंगा, ये सोच करके भगवान उन बंदरों को बुला दिए, कहे कि आ जाओ। अब बंदर खा रहे हैं माखन, कुछ अपने खा रहे हैं, कुछ बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ जमीन पर फेंक रहे हैं, तहस नहस भगवान कर रहे हैं, और बीच बीच में चोर जैसा देख भी रहे कि कहीं मैया आ नहीं ना रही है।
ऐसे देख रहे हैं। उसी समय मैया उधर से आई, तो जब आई तो देखी कि मटका बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है और दही फैल रहा है। ऐसे भगवान फोड़े थे कि ऊपर से पता नहीं चल रहा था कि फूटा हुआ है, नीचे से फोड़े थे ना। तो मैया कही दही कहाँ से फैल रहा है, खूब तेजी से दही फैल रहा है। गई नजदीक तो मटका को थोड़ा ऐसे करके देखती है, ऐसे करके तो नीचे फूटा हुआ है। तो मैया हंसने लगी। मैया हंसी क्यों? मैया हंस रही है कृष्ण के बुद्धिमता पर। मैया कह रही कि मेरा बेटा बुद्धिमान हो गया है। बुद्धिमान, देखिए कितना बुद्धि का प्रयोग किया है, छोटा है लेकिन है बुद्धिमान। कितना बुद्धि का प्रयोग किया, ऊपर से भी फोड़ सकता था लेकिन बुद्धि का प्रयोग किया है, नीचे से फोड़ा है। बुद्धिमान ही नहीं, मेरा बेटा बलवान भी हो गया है। कैसे? कि नीचे से फोड़ा, इसका मतलब कि मटका को उठाया होगा। मटका ऊपर करके फोड़ा है ना, तो इतना बड़ा मटका को उठाना मतलब उसका बल भी बढ़ चुका है। हमारा लड़का बुद्धिमान भी है और बलवान भी है, इसको याद करके मैया खुश है। प्रत्येक माँ अपने बच्चों को बुद्धिमान दे करके और बलवान दे करके खुश होती है। वैसे ही जसोदा जी भी खुश हो रही हैं, लेकिन जसोदा जी को क्रोध भी आ रहा है। जसोदा जी कह रही कि आज अगर मैं इसको नहीं सुधारूंगी, आज इसको शिक्षा नहीं दूंगी, तो उपद्रवी हो जाएगा, ये बदमाश हो जाएगा, ये जीवन में ऐसा बहुत गलती करेगा। देखिए माता का धर्म होता है, माता शत्रु पिता बैरी जे न मालम न पढ़े, नहीं शोभे सभा मध्य हम सभे भोजना। वो माँ शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, छोटे से बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि तुम मेरा भजन करो। माँ का कर्तव्य है, माँ का दायित्व है कि अपने बच्चे को सुबह में बैठा करके कृष्ण नाम का जप करवाएं। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ये माता का काम है, ये नहीं कि माता का काम ये नहीं कि बेटा तुम मोबाइल दे दे, लो बेटा देखो, तू भी देखो मैं भी देख रही हूँ, बेटा तू भी बिगाड़ो मुझे भी बिगाड़ो, ऐसा नहीं करना है। अगर जो माँ बेटा को शिक्षा नहीं दे रही है तो समझिए कि वो एक तरह से शत्रु है, उसका दुश्मन है। जो पिता अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि बेटा तुम लोग को जप करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, साधुओं के बीच में बैठना चाहिए, तो समझो कि वो बैरी है। मैया जसोदा ऐसा नहीं करेगी, मैया तुरंत कहेंगे नहीं नहीं लड़का बिगड़ रहा है, इसको ट्रेनिंग करना जरूरी है, शिक्षा देना जरूरी है। अगर अभी नहीं शिक्षा दूंगी तो आगे चल करके बहुत उपद्रव करेगा। तो मैया को थोड़ा गुस्सा आया, अच्छा इतना बदमाशी, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, अभी तुमको बताती हूँ। अब मैया अपने भाव में आ गई कि मैं माँ हूँ, इसको नहीं कंट्रोल करूंगी तो कौन करेगा, दूसरे को क्या बोला। ये सोच करके मैया तुरंत अपने हाथ में डंडा डाली, बगल में एक छड़ी था उसको उठाई, कहीं कहाँ है आज उसको बताती हूँ। और क्रोध में मैया जब जा रही है, कृष्ण तो देख ही रहे थे, चोरी की तरह इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, माखन फैला भी रहे हैं। और तब तक मैया सीधा वहां पहुंची, भगवान उफल पर चढ़ कर तो उधर कर रहे थे, और तब तक कृष्ण की दृष्टि पड़ी मैया के ऊपर। देखे कि अरे मैया तो गुस्सा में है और हाथ में डंडा भी ली है, तुरंत उखल से कूद गए और कूद करके फुर्तीले हैं ही, छोटे थे ही, कूद गए और कूद करके भागने लगे और हंस भी रहे हैं और भाग रहे हैं। तो जसोदा जी कही अच्छा और भाग रहे, और गुस्सा आया जसोदा का, क्रोध आया। जसोदा जी कही कि अच्छा, और जसोदा पीछा करने लगी और भगवान सीधे नंद भवन से बाहर निकल गए। और सुबह हो चुका था, तुलसी आरती सब समाप्त हो चुका था, समझिए तो साफ दिखाई देने लगा। और कृष्ण भाग रहे हैं, मैया जसोदा पीछे पीछे भाग रही है, भाग रही है। तो गोपियां ब्रज के लोग सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सुबह सुबह सब लोग कृष्ण का और जसोदा का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, छोटे हैं, छन 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 में उनके पैर में पायल है, कान्हा के पैजलियां बाजे रे, भगवान का पायजल बाज रहा है,
रंजन रंजन झनन झनन झन 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 कर रहा है और भाग रहे हैं, भगवान का बाल घुंघराला है, कभी पीछे मुड़ रहे हैं, हंस रहे हैं और मैया हाथ में छड़ी ली हुई पीछे पीछे दौड़ रही है। अब पूरे गोकुल की गलियों में, कभी इस गली में कभी इस गली में, जिस गलियों में कभी नहीं जाते थे उधर भी जा रहे हैं, जो कभी नहीं देखी थी वो गोपियां भी करी हो क्या गया है, तो कोई झरोखार से कोई बाहर निकल गए, कोई छत के ऊपर से सब कृष्ण का दर्शन करने लगी। जसोदा कही अच्छा, जसोदा जी किस कृष्ण को पकड़ने के लिए जा रही है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि तमात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरम सतो उरुहिया प्रससार भीतवत गोप्यन व धावन यमाप योगी नाम क्षेमम प्रवेश तुम तपसेतम मन। जिन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए ध्यान करते हैं बड़े बड़े जोगी लोग, यम ब्रह्मा वरुदेन्द्र रुद्र मरुद सुनवंत दिव्य स्तमयी वेद सांग पद क्रमोपनिषद गायंती यम सामरा ध्यान तदगतेन मनसा पश्यंती यम योगिना। उस भगवान को जसोदा पकड़ने के लिए जा रही, बताइए भगवान पकड़ में आएंगे। जोगी तो ध्यान करते हैं तो कुछ क्षण के लिए भगवान आते हैं और फिर तुरंत हट जाते हैं। उन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जसोदा पीछे पीछे बढ़ रही है और भगवान भाग रहे हैं। जब भाग रही हैं, जसोदा का शरीर थोड़ा भारी है, बड़ा शरीर है, और जसोदा जी चलते 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 अब थकने लगी, शरीर में पसीने आने लगे, सब लोग देख रहे कि हो क्या गया। कभी कभी तो कृष्ण बिल्कुल नहीं दिख हो जाते थे, कभी कभी कृष्ण का कपड़ा भी स्पर्श हो जाता था, तिल आगे नहीं आ जाते थे। अब जसोदा एकदम भाग रही है, जसोदा जी कही कि अच्छा आज बेटा तुमको पकड़ूंगी ना तब बताऊंगी, आज परेशान कर दिया। और भागते 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 भगवान देखे कि मैया तो पूरा थक गई है, जसोदा का शरीर बिल्कुल थक चुका था। तब श्री कृष्ण के हृदय में दया उमड़ने लगा। श्री कृष्ण क्या किए कि उस समय धीरे से श्री कृष्ण अब स्लो हो गए और श्री कृष्ण को मैया जा करके पकड़ ली, जोर से पकड़ ली। और जब पकड़ी और भगवान जसोदा के हाथ में जब डंडा देखे, हाथ में डंडा को देखे, कृतागसमतम प्ररुदंतम अक्षिणे कसंतमंजन मसिणे स्वपाणिना उद्वेक्षमानं भयविवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा। उस समय क्या हुआ कि श्री कृष्ण मैया को देख करके उन श्री कृष्ण को अपराध के कारण जोर जोर से भगवान मैया के हाथ में डंडा देकर के जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि अंजन मर्षिणी अक्षिणी, भगवान के आंख से अंजन जुप्त, भगवान के आंख में काजल लगा हुआ है तो अंजन से जुप्त कजरारी नेत्रों को भगवान स्वपाणिनाम कसंतम अपने दोनों हाथों से ऐसे 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 कर रहे हैं भगवान स्वपाणिना, अपने हाथों से आंख को ऐसे मलने लगे, अपने हाथों से मलने लगे। भय बिहवल ईक्षणम उद्विक्षमाणम, भय से व्याकुल नेत्रों से देखने वाले हस्ते गृहत्वा श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके भीषयंती वा गुड़, जसोदा डराने लगी गुड़ाने लगी। तो भगवान इतने जोर से रो रहे हैं उसके विषय में कह रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय में कुंती महारानी कहती है। उस समय कुंती महारानी ब्रज में ही थी, नंद जी के घर में। कुंती महारानी जब स्तुति कर रही है तो उस समय बोली है कि गोप्या दरे पैरता गसिता मतावत याते दशास्त्र कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभाव नया स्थितस्य श्यामां विमोहयति भीर्यपि यद्विभेति। जिन भगवान के भय से काल भी कपता है, मद भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, कपिल देव कह रहे कि मेरे भय से सूर्य, मेरे भय से अग्नि, मेरे भय से इंद्र, मेरे भय से वरुण, सब लोग भयभीत होते हैं, वो आज भगवान
स्वयं जसोदा के हाथ में डंडा दे करके अपराध किए थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण इतनी जोर से रो रहे हैं कि क्या कहा जाए, भयभीत भगवान थे और बड़ी जोर से रो रहे थे मैया के हाथ में डंडा को दे करके, जिनके डर से काल भी कांपता है, जिनके भय से काल भी डरता रहता है, वह भगवान आज मैया के हाथ में डंडा दे करके रो रहे हैं। इसीलिए हम लोग दामोदर अष्टकम में गाते हैं, रुदंतम मोहर नेत्रयोगम मृजंतम करांभोज योगमेन शातंक नेत्रम मोहश्वास कंप त्रिलेखांग कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवधम स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवधम इति त्रेक्ष्वलीला भिरानंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीये सितागे सुभक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करांभोज युग्मेन शातंक नेत्रं। भगवान रो रहे हैं, मोहश्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिवधम। भगवान मैया के हाथ में डंडा को दे करके इतने जोर जोर से रोने लगे कि रोने से उनके आंख में जो काजल है वह अश्रु में मिल करके पूरे गाल में लग गया है, गाल में काजल लग चुका है। और जब रोते हैं ऐसे कहते हैं तो तीन रेखा भगवान के दिखाई दे रहे हैं, तीन रेखा दिखाई दे रहे हैं। भगवान इतने जोर से डर गए कि मैया घबरा गई कि बेटा को कुछ हो ना जाए, तुरंत अपने हाथ से डंडा को फेंक दी। अरे कहीं बच्चा को ऐसे डरा दोगे तो बहुत भयभीत हो जाएगा। मैया डर के मारे अपने हाथ में जो छड़ी ली थी यष्टी उसको नीचे फेंक दी। अरे बेटा, कृष्ण को तुरंत पकड़ लीजिए सोदा, बेटा मत रो, तुमको मैं नहीं मारूंगी, बेटा बिल्कुल मत रो। कृष्ण बार बार रो रहे हैं, मैया लगी सहलाने, कह रही बेटा मत रो, मैं नहीं मारूंगी, देखो देखो मैं छड़ी को फेंक चुकी हूँ, मेरे हाथ में छड़ी नहीं है, डंडा नहीं, बेटा देखो तो सही, मेरे हाथ में डंडा नहीं है। तब कृष्ण देखते हैं तो थोड़ा चुप होते हैं, लेकिन बिल्कुल डरे हुए हैं, एकदम डरे जैसा कांप रहे हैं। तो जसोदा जी सोची कि अगर मैं लड़का को छोड़ देती हूँ, देखिए यहाँ बहुत सुंदर भाव है, इन भावों को हम लोगों को समझना है। जसोदा जी सोची कि अगर मैं अभी छोड़ देती हूँ, घर का कुछ भी काम की नहीं हूँ, सुबह से ये सब काम चालू हो गया है और सारा काम पड़ा हुआ है घर में, अगर बेटा को मैं छोड़ करके काम करने के लिए जाऊंगी कहीं ये भाग जाएगा, गड़बड़ होगा। माता के हृदय में अधिक प्रेम है कि लड़का कहीं भाग ना जाए, कुछ कर ना ले, अभी बहुत भयभीत है। तो इसलिए लड़का के सुरक्षा के लिए, कृष्ण के सुरक्षा के लिए मैया क्या की सोची कि कुछ देर के लिए इसको इस उखल में बांध देती हूँ आराम से, और जब घर के सारा काम कर लूंगी तब आऊंगी, बेटा को फिर गोद में बैठा करके प्रेम से भोजन कराऊंगी। मैया का यही शुद्ध भाव है, ये ध्यान देना, मैया के हृदय में यही भाव है कि हमारा बेटा कहीं भाग ना जाए, कुछ अनहोनी ना कर ले, कुछ गड़बड़ ना कर ले, इसलिए मैया कृष्ण के सुरक्षा के लिए ही बांध रही है कि तुम यहाँ चुपचाप रहो कुछ देर, और जब काम कर लूंगी तब फिर तुमको बढ़िया से स्नान कराऊंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अपने साथ अपने हाथों से खिलाऊंगी, यही भाव था। इसीलिए मैया क्या की कि एक रस्सी था वहां पर, उस रस्सी को ले ली और सोची कि ये उखल भी इसका साथ दिया है तो इसी उखल में इसको बांधूंगी। और भगवान कृष्ण को उखल के सामने ले गई और ले जा करके उखल में रस्सी, देखिएगा वहां उखल है ना, दिखाई दे रहा है ना, उखल में रस्सी को लगाई, मान लीजिए उखल है,
तो इस उखल में रस्सी लगाती है और कृष्ण को यहीं खड़ा कर देती है, और खड़ा करके उस रस्सी को कृष्ण के उदर में लाती है, और ला करके ज्यों ही ऐसे करके बांधने के लिए चलती है तो दो अंगुल, इतना रस्सी दो अंगुल रस्सी कम पड़ गया। जब ही रस्सी घुमा करके लाती है तो लाने से क्या हुआ कि दो अंगुल कम रस्सी होने लगा। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैया किस कृष्ण को बांधने के लिए जा रही है, न चांतर न वहीर्यस्य ना पूर्वम ना पिचा परम, पूर्वा परम बहिः चांतर जगतो यो जगश्चय। उन श्री कृष्ण को बांधने के लिए मैया जा रही है जिसका न भीतर है न बाहर है, न पूर्व है न पश्चिम है, न भीतर बाहर जो है और जो जगत रूप है। भगवान कृष्ण को मैया बांधने के लिए जा रही है, कृष्ण को बांधने के लिए वो जा रही है। किस कृष्ण को बांधती है? जिनका पूर्व है न पर है, न बहिर है न बाहर है न भीतर है। एक बार दुर्योधन भी कृष्ण को बांधना चाह रहा था, दुर्योधन बांधना चाह रहा था, आप लोग को मालूम है ना, भगवान संधि दूत बन करके गए थे महाराज युधिष्ठिर के तरफ से समझाने के लिए, कह रहे भैया तुम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, आखिर ये लोग गलती क्या करें, इन लोग का भी तो हिस्सा है दे दो। भगवान गए और कहे कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सब धूमधाम पानी पत्थर पांडव आए और कुछ निखर सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री का राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर में आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा न्याय, यह कहता है कि तुम आधा दे दो, पर यदि इसमें बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम, पांच गांव दे दो। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर अशिष्ट उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज को दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान कहे अच्छा, जब नाश मन पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान कहते हैं हाँ बांधो, पहले बांध अनंत गगन, अगर मुझको बांधना है तो पहले अनंत गगन को बांधो। पैरों में पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, तुम क्या समझते हो पहले पाताल को काल को आकाश को बांधोगे तब ना। जंजीर बढ़ाकर लाया हूं, जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यचना नहीं वरण होगा, जीवन जय का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूवानी प्रखर, फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल वह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे। भगवान करे कि ऐसा युद्ध होगा कि आज तक कभी ऐसा युद्ध नहीं होगा। भगवान घोषणा कर दिए, कह दिए कि ऐसा युद्ध होगा कि जीवन में कभी नहीं होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा, महाभारत युद्ध है, सब लोग उसका गान करेंगे। तो क्या समझता है, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू बहनी प्रखर, और उसमें फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मोह खोलेगा, सभी लोग मारे जाओगे। क्या समझते हो, तो मुझको बांधने के लिए चले हो? आज मैया जसोदा कृष्ण को बांधने के लिए जा रही है। सुखदेव जी कह रहे कि किन कृष्ण को बांध रही है, जिनका पूर्व है न पर है, जो इससे अलग हैं, उन भगवान को बांध रहे। भगवान कहे अच्छा मैया तो बांध ही लो मुझको, और बांधने के लिए चली तो भगवान कहे कि मैं तो बांधूंगा नहीं। और जसोदा जी जब बांधने लिए चलती है तो दो अंगुल रस्सी कम हो रहा है, और मैया बार बार प्रयास करती है बांधने का, रस्सी लाती है और रस्सी को जोड़ती है पहले राउंड में ही। ये ध्यान देना चाहिए, नहीं कि दूसरा राउंड तीसरा राउंड, ऐसा कुछ नहीं, पहले राउंड में ही दो अंगुल रस्सी कम,
फिर उसमें एक रस्सी जोड़ती है, फिर उसको बांधने के लिए चलते, फिर दो अंगुल कहो, फिर जोड़ करके बांधना चाहते, फिर दो अंगुल कहो। अब ऐसे जसोदा जी दौड़ दौड़ करके ला रही और रस्सी कम होता जा रहा है। तो इस तरह के व्यवहार को देख करके जसोदा जी आश्चर्य में गोपियों को कहते कि रस्सी लाओ। गोपियां दौड़ दौड़ करके रस्सी ला रही हैं और ला ला करके दे रही हैं, लेकिन दो अंगुल कम। तो गोपी लोग कही, अरे मैया छोड़ दो, क्या हो गया। तो जसोदा जी कहते कि तुम लोग उपदेश मत करो, जल्दी लाओ रस्सी। तब गोपियां कहते कि आज क्या हो गया, जब हम लोग कहते थे तो आप तो मानते नहीं थे, आज कौन गलती कर दिया, अरे इसने मटका फोड़ दिया है। अच्छा, आज आपका मटका फोड़ गया तो बड़ा याद आ रहा है, और हम लोगों का ये कितना मटका फोड़ दिया, कितना दूध दही फैला दिया, उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो जसोदा जी कहे, ज्यादा उपदेश मत करो, मैं कह रही हूँ ना रस्सी लाओ। तो गोपियां कहते लो, ला कर रस्सी देती है, फिर दो अंगुल कम। जसोदा भी हंस रही है और गोपियां भी हंस रही है, हो क्या गया, कृष्ण बंद क्यों नहीं रहे। लेकिन मैया हट कर ली कि बिना बांधे मैं मानूंगी नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा। बिंदु जी एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखे बहुत सुंदर पद लिखे हैं। तो कहते हैं कि भगवान देख लिए भक्त में और भगवान में लड़ाई छिड़ गया है, तो भगवान कहे कि भाई अब भक्त जब मेरे साथ लड़ रहा है तो मुझको तो हारना पड़ेगा ना, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान ना टलते देखा। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया, भगवान कृष्ण क्या कहे थे कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, जिसके तरफ रहूंगा कल चुपचाप मैं रहूंगा, भगवान यही घोषणा किए थे। लेकिन जब महाभारत युद्ध हो रहा था और अर्जुन बार बार बच रहे थे, तो दुर्योधन भीष्म पितामह के यहाँ जाकर के कहा कि अरे पितामह, तुमको जब युद्ध नहीं करना है तो तुम क्यों नहीं पांडवों के तरफ चले जाते हो, आप हम लोगों के साथ में रह करके विजय की आशीर्वाद पांडवों को दे रहे हैं, जब लड़ना नहीं है तो चले जाओ। तो भीष्म पितामह कहे कि ऐसे क्यों कह रहे हो, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप कभी नहीं चाहते हैं कि पांडव मारे जाएं। तब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर दिए कि कल के युद्ध में कि तो मैं अर्जुन को मारूंगा और नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, यह मेरा प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ली, और जब दूसरे दिन युद्ध चालू हुआ तो अर्जुन खींच खींच करके बाण जब मारते हैं और भीष्म पितामह लगे मारने इतने तेजी से कि जो अर्जुन बाण मारे उसको काटते जा रहे हैं, इतनी तेजी से मारने लगे कि अर्जुन के पास कोई बाण ही नहीं बच रहा है, पसीना और पोछने के लिए जब ही अर्जुन ऐसे किए तो भगवान तुरंत अपने रथ को ऐसे करके नीचे किए और भीष्म पितामह का बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से जाने लगा, और भगवान कहेंगे तो बूढ़ा आज मार देगा अर्जुन को। और तुरंत भगवान कृष्ण क्या किए कि तुरंत रथ से कूद करके तो ले करके दौड़ गए रथ के पहिया, कहेगा अच्छा बूढ़ा तू आज अर्जुन को मारेगा, रुको आज छोड़ूंगा नहीं। और जब ही दौड़े उसी समय भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिए, गए बस हो गया मेरा प्रतिज्ञा पूरा। तो भगवान कहेंगे रे आप अपना प्रतिज्ञा पूरा करो, कोई बात नहीं। तो भगवान अपने भक्त के प्रतिज्ञा को पूरा करा लेते, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। आज मैया जसोदा ने प्रण कर ली कि बिना बांधे मैं मानूंगी नहीं, तो कृष्ण क्या किए कि सुखदेव जी कहते हैं स्वामातो सीन गात्राय विश्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सित स्वबंधने दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सित स्वबंधने स्वामातो श्रीन गात्राय विश्रस्त कबर स्रज। भगवान देखे कि हमारी माँ के मुख पर पसीना आ चुका है, बार बार दौड़ दौड़ करके
एक भजन गुरु महाराज गाए हैं भोजपुरी में इस पद पर, आप लोग भोजपुरी तो समझेंगे नहीं, लेकिन मेरे गुरु महाराज स्वयं बनाए थे और गाए थे, तो दो लाइन गाऊंगा आप लोग समझ जाएंगे। अरे जसोदा बांधे चलली कृष्ण के ओखरिया में, माया के रसरिया में ना, जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई रसिया घटी घटी जाई, जसोदा दौड़ दौड़ कर लाई रसिया घटी घटी जाई, रसिया याद नहीं खे मुठी भर कमरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा जी दौड़ दौड़ करके लाई है, लेकिन वो रसी आठ नहीं रहा था, लेकिन भगवान देखे स्व मातु श्रीनगात्राय, अपने माँ के मुख पर जब भगवान पसीना देखे और देखे कि इसका तो जूड़ा खुल चुका है और मुझे बांधने के लिए इतना परिश्रम कर रही है, तो दृष्ट्वा परिश्रमम, भगवान कृष्ण परिश्रम को देख रहे हैं, कृपया शिष्य को बंधन, परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए, भगवान परिश्रम को देखते हैं। आप प्रभुपाद जी लिखे हैं बहुत सुंदर, लिखते हैं कि भगवान अपने भक्त के मेहनत को परिश्रम को देखते हैं कि भक्त कितना मेहनत करता है, कलेक्शन करना, व्यवस्था करना, जहाँ कोई नहीं आते हैं वहाँ जाकर के मंदिर का निर्माण करवाना, लोगों के बीच में जाना, तो उन सब परिश्रमों को भगवान देखते हैं, मेहनत को देखते हैं, और देखते हैं तो भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं भगवान। तो भगवान यहाँ जसोदा जी के परिश्रम को देख लिए। यहाँ पर बहुत सुंदर भाव लिखते हुए कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मंगला आरती के समय जगता है, सुबह में स्नान करके मंगला आरती में आता है, जप करता है, भगवान के लिए सेवा करता है, मेहनत करता है, मंदिर मार्जन करता है, फूल लाता है, कलेक्शन करता है, तो इन सब परिश्रम को देखते हैं भगवान, और ऐसे परिश्रमियों के बस में भगवान हो जाते हैं। और जो मंगला आरती के समय सोता है तो दूसरे को धोखा नहीं देता है, वो अपने आप को धोखा देता है। ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे को कोई घाटा हो रहा है, मंगला आरती के समय सोना मतलब अपने को धोखा देना। अगर जो परिश्रम करके उठता है जगता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए भगवान दृष्टवा देखे, भगवान क्या देखे, मैया के परिश्रम को, और परिश्रम को देखे तो भगवान कृपया शिष्य बंधन, दो अंगुल रसी कम क्यों हो रहा था, कि भक्त के परिश्रम में कमी थी, और जब ही भक्त के परिश्रम पूरा हुआ तो इधर से भगवान की कृपा शक्ति आकर के मिल गई। जब परिश्रम की कमी होती है तब भगवान की कृपा नहीं मिलती है, और जब ही परिश्रम पूरा होता है तो परिश्रम पूरा होते ही कृपा आकर के मिल जाती है। तो उधर जसोदा का परिश्रम पूर्ण हुआ तो भगवान की कृपा शक्ति भी आकर के उनको मिली, और जब ही मिली तो भगवान सीधे जो पहला रस्सी पहले लेकर के बांधने के लिए चली थी उसी रस्सी में भगवान बंध गए, सारा रस्सी बच गया। देखिए जो प्रथम बार जो रस्सी ली थी उसी रस्सी में भगवान आकर के बड़े प्रेम से बंध गए। मैया कृष्ण को कहाँ बांध दी, उखल में, और भगवान उखल में बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं संदर्शिता हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेना कृष्णेन यस्येदम शेश्वरम वशे। अरे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंद करके उन्होंने संसार को यह बात सिद्ध किया, यह दिखाया भगवान कि मैं भक्त के वश में हूँ, सारा जगत भगवान के वश में है, लेकिन भगवान जसोदा जी के रस्सी में क्यों बंधे, भगवान ने यह दिखा लिया कि मैं भक्तों के वश में हूँ, मैं भक्तन हाथ बिकाऊं भगत मेरो मुकुट मणि, मैं भक्तों के हाथ बिक जाता हूँ भगवान कहते हैं, क्योंकि भक्त मेरे मुकुट मणि होते हैं। यहाँ कहते हैं कि नेमम विरिंचो न भवो,
नप्यंग संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी यत्र प्राप विमुक्तिदा। करें कि ग्वालिनी जसोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, जिस कृपा को मैया जसोदा ने प्राप्त किया, उस कृपा प्रसाद को न ब्रह्मा ने प्राप्त नहीं किया, न शंकर, शंकर जी प्राप्त नहीं किए, न उनकी नित्य सेवा करने वाली लक्ष्मी ने प्राप्त की। सुखदेव जी अपना कमेंट दे रहे हैं, करें कि जिस कृपा प्रसाद को गोपी जसोदा ने प्राप्त की, उस कृपा को न ब्रह्मा, न शिव, न स्त्री कोई नहीं प्राप्त कर पाई, जो कि ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं भगवान के, शंकर जी एक तरह से भगवान के आत्मा हैं, और स्त्री जी तो उनके वक्ष स्थल पर रहने वाली अर्धांगिनी ही हैं, अपनी पत्नी ही हैं, वे लोग भी प्राप्त नहीं कर पाई। नायम सुखाप भगवान देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिय। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितना सुलभ है, जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसके लिए जितना सुलभ भगवान है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी ज्ञानी और तपस्वियों के लिए सुलभ नहीं है। भगवान किसके लिए सुलभ है? जो प्रेम से भगवान का भजन करता है। और कैसा भजन? अनन्य भाव से, अनन्या चिंतयंतो मामे जनः परियुपासते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमं वहामि अहम्। जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, न अन्य इति अनन्य, कृष्ण के अतिरिक्त जिसके दृष्टि में और कोई दूसरा नहीं है, ऐसे भाव में होकर के जो भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम को गाता है, तो ऐसे भक्तों के वश में भगवान हो जाते हैं, ऐसे भक्तों के वश में भगवान रहते हैं। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए शुद्ध हृदय से। भजन करते समय कपट आदि नहीं रखना चाहिए। भगवान शुद्ध भक्तों के पास जल्दी मिलते हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान बोले ना कि पत्रम पुष्पम फलम तो भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रहितम अस्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई प्रेम से मुझे ये सब देता है तो मैं उसके वश में हो जाता हूँ, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान की भक्ति सीखनी है हम लोगों को, कैसे करना है। भक्त लोग जो बता रहे हैं यहाँ, जो सीख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो कृष्णस्तु गृह कृतेषु व्यग्राया मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम गुह्यकौ धन आत्मदौ। इसके बाद नंद रानी जसोदा अब क्या की कि भगवान को बांध करके घर के काम करने के लिए चली गई, और जब वो चली गई काम करने के लिए तो भगवान उखल में बंध चुके हैं। कृष्ण कहाँ बंध गए हैं? उखल में, उखल में बंधे हैं। और तब तक उस समय बलराम जी तो थे नहीं, लेकिन जब कुछ देर के बाद पता चला तो बलराम वहां आए तो देखे कि कृष्ण बंधा हुआ है। और बलराम जी को जैसे ही भगवान कृष्ण देखे तो जोर जोर से रोने लगे, अपने बड़े भाई को लेकर के। बलराम कहे भैया तुमको कौन बांधा है? तो वहां कुछ बच्चे भी थे ग्वालवाल, तो कहे कि इसको मैया ने बांधी है। कृष्ण कहे कि भैया आप हमको खोल दो, मैया मुझको बांध करके चली गई है। तो बलराम जी पहले तो सोचे कि खोल दो, लेकिन जब ही सुने कि मैया बांधी है तो बलराम जी रुक गए, मैया बांधी है। हाँ, तब बलराम जी कहे ठीक है तुम यही रहो, मैं मैया को जाता हूँ कहने के लिए कि खोल दो। और बलराम जी दौड़ते हुए आए, बड़े भाई हैं, बड़ा भाई का कर्तव्य है छोटा भाई की रक्षा करना, बचाना। तब अपने भाई को बचाने के लिए बलराम दौड़ते हुए कहाँ गए? जसोदा जी के पास। जसोदा जी उस समय काम कर रही थी घर की, तो गए और जा करके कहे मैया, ओ मैया। तो जसोदा जी के हाँ बलराम, बोलो बेटा कैसे हो, ठीक हो ना? तो बलराम के हाँ मैया मैं ठीक हूँ। भैया कन्हैया बड़ा जोर जोर से रो रहा है। तो जसोदा जी कहे रोने दो, बहुत बदमाश हो चुका है। तो कहे नहीं मैया, बहुत रो रहा है, उसको खोल दो, तुम ही बांधी हो ना? तो हाँ मैं ही बांधी हूँ। तो मैया खोल दो। तो जसोदा जी कहे ना, उसको बिल्कुल नहीं खोलना है।
तो मैया से बलराम जी ने क्या किया है मैया कि तुम उसको बांध दियो, तो तुमको पता नहीं है कि रोज रोज गोपियों के घर में जाकर के चोरी करता है, मटका फोड़ता है। मैं सोचती थी कि गोपियां झूठ बोल रही है, लेकिन आज मेरे घर में ही मटका फोड़ दिया, दही फैला दिया, ये इतना उपद्रवी बदमाश हो चुका है, अब उसको मैं खोलूंगी नहीं। तो बलराम जी कहे कि मैया कितना दूध दही तुम्हारा बर्बाद हुआ है, काहे को यशोदा मैया, बलराम जी बोल रहे हैं, बांधो है ही यो कन्हैया, मोहन हमारो भैया कति दही खाए हो, मेरा मोहन भैया कितना दही माखन खाया है, तुम कहो तो मैं मटका के मटका माखन दही ला करके दे दूंगा, मेरे मोहन भैया को छोड़ दो। एक तरह से भगवान बलराम घूस दे रहे हैं मैया यशोदा को, लो लो तुमको क्या चाहिए, हमारे भैया को छोड़ दो। तो यशोदा जी कहती है कि ज्यादा तुम माखन देने वाले बनते हो, भागो यहां से, मैं नहीं खोलूंगी। तो बलराम जी को क्रोध आ गया, कहिए तो मांग नहीं रही है, अब इसको भय दिलवाना पड़ेगा। बलराम जी कहेगी जानती हो तुम जिसको बांधी हो ये कौन है? तो मैया कही हाँ ये मेरा बेटा है। तो यही तो तुम नहीं जानती हो, ये तुम्हारा लड़का नहीं है। यशोदा जी कहेगी तब कौन है बेटा? तो कहते कि ये राम है जिन्होंने रावण का वध किया था, त्रेता में राम के रूप में आए थे, इनके विषय में नहीं जानती हो? इन्होंने हिरणकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल रूप नरसिंह का धारण किए, यही बराह देव है जिन्होंने हिरणाक्ष का वध किया, और तो और यही बामन है जिन्होंने बलि को बांध दिया था नागपाश में। तो यशोदा जी कही अच्छा ये राम है रावण को मारने वाला, यही नरसिंह है हिरणकश्यपु को मारने वाला। तो बेटा तुम कौन हो, यशोदा जी पूछ रही है। तो बलराम जी कह रहे हैं कि मेरे विषय में जानना चाहती हो, मैं कौन हूं? मैं ही अनंत हूं, मैं ही लक्ष्मण हूं, मैं ही इस पृथ्वी को धारण करता हूं, अगर चाहूं तो एक फूंक में पृथ्वी आकाश में उड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जो तुम यहां खड़ी होकर के बात कर रही हो ना, तुम भी दिखाई नहीं देगी, नहीं जानती हो मैं कौन हूं। तो यशोदा जी कही अच्छा, हाथ में एक डंडा ली यशोदा मैया, और डंडा लेकर के दौड़ी मारने के लिए, कही सारा अवतार केवल मेरे घर में हो रहा है और किसी का घर बाकी नहीं है। इतना सुनते ही बलराम जी जोर से भागे तेजी में, कहीं कहीं मैया का डंडा मेरे पीठ पर न बैठ जाए। बड़ी जोर से बलराम जी भागे बहुत तेजी से, और पीछे मुड़कर देखे मैया नहीं ना आ रही है, तो मैया वहीं खड़ी होकर हंस रही है। ये बच्चे एकदम बदमाश हो चुके हैं, वो तो ये भी देखो कह रहा है कि मैं लक्ष्मण हूँ, सारा अवतार मेरे घर में और किसी का घर बाकी नहीं बचा, वो राम है और लक्ष्मण है, क्या इन लोग की बुद्धि है, यशोदा कह रहे हैं। और बलराम जी भागे, और जब भागे कृष्ण के पास गए, और कृष्ण के पास जाकर कहे कि तुम्हारे चक्कर में पड़ करके आज मैं भी पीटने से बचा हूँ, तुम मानोगे नहीं, मैं बार बार समझाता हूँ कि चोरी मत करो, कोई उपद्रव मत करो, उत्पात मत करो, लेकिन तू तो मानता है नहीं, तो बंधे रहो। तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई जोर जोर से रो रहे हैं, और भक्तों को यह दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा है। भक्त लोग कहें कि इसी तरह बंधे रहो भगवान और रोते रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं भी सोचता हूँ कि आज भगवान को इसी तरह रोने दो, इसी तरह रोते रहें, अच्छा एक महीना रोआएंगे, लेकिन मैं कल ही इनको मुक्त कर दूंगा। तो आज की कथा मैं यहीं तक किया, आप लोग बड़े धैर्य के साथ में कथा सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना है, दीपदान का बड़ा महत्व है, तो सब आप लोग करते रहिए। प्रभु जी लोग जो कुछ बोलेंगे इसको ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। हाँ तो हरे कृष्णा, देखिए मैं शुरू में भी आप लोग को बताया था कि कार्तिक का महीना चल रहा है, दीपदान का बड़ा महत्व है, जो भगवान को जो दीप दिखाया जाता है तो इसका अनंत गुना फल मिलता है। तो आप लोग इस दामोदर मास के अवसर पर भगवान के लिए दीपदान कीजिए, दीप दिखाते रहिए, और इसके लिए जो भी सहयोग हो करते रहना चाहिए, क्योंकि
अगर कोई ऐसे आयोजनों में अगर कोई सहयोग करता है, कुछ देता है, तो भगवान उसको विशेष फल देते हैं। और पूरे कार्तिक महीना इसको करते रहना है, रोज भगवान के विषय में दिखाना है, शुद्ध घी होना चाहिए, दीपक होना चाहिए, तो इसको करते रहिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्णा।